मेडल यूसी डैगर डिवीजन की तरफ से हमारे बीच उपस्थित ऑनरेबल श्री अली मोहम्मद मांगरे भूतपूर्व चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट एंड बाकी सरकारी अहदेदार खिलाड़ीगण और मौजूद नाजरीन का डैगर डिवीजन पीर पंजाल क्रिकेट लीग में इस्तकबाल करता हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस क्रिकेट लीग को कामयाब बनाया। इस प्रीमियर लीग को करने के चार मकसद थे, नौजवानों को खेल का जज्बा बनाना, नौजवानों में जिनमें हुनर है उस हुनर को एक प्लेटफॉर्म देना और नौजवानों को ड्रग्स की दुनिया से दूर रखना, फौज सरकारी महकमे और आवाम के रिश्ते को और कामयाब करना। एंड मेरे को बड़ी खुशी है आज का पार्टिसिपेशन देख के कि हम इन सब मकसदों में कामयाब हुए हैं और हम इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे मिलके काम करते रहेंगे। मैं फाइनल्स में पहुंचने वाली दोनों टीम और बाकी 62 टीम्स और 960 प्लेयर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, एक बेहतरीन क्रिकेटिंग टैलेंट और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, उनको मैं इस्तकबाल करता हूं और उनकी मैं हौसले अफजाई करता हूं। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस अजीमोशान क्रिकेट टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर और जोनल फिजिकल ऑफिसर बुनियार श्री मुबारक शाह को स्टेज देता हूं और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको मुबारक है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस टूर्नामेंट के अंक पे अपने जो मेंटेन किया इस फाइनल इवेंट को, तो इनको भी मुबारक। हम उनका पैगाम लेके हम सब खड़े हैं इस मैदान में, नीचे रखो। सबसे अहम रोल जो है वो आवाम का है, आवाम ही सरचश्मा है इस जमहूरी निज़ाम का जो हिंदुस्तान में इतने बड़े जमहूरी मुल्क में कायम है। हम सब लोग चाहे किसी भी पोजीशन पे हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, वो आम हो, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबसे अहम आर्मी, इंडियन आर्मी, जिनकी सरबराही यहाँ पे इस कमांड में हमारे मेजर जनरल राजेश सेठी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जीओसी डगर डिवीजन के हैं, उनके साथ ब्रिगेडियर पीएमएस डलोन साहब, कमांडेंट पीर पंजाल ब्रिज, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह दिया, कमांडर उड़ी ब्रिज, सीओ जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री कर्नल धीरेज कुमार गुप्ता, हमारे साथ बैठे डॉक्टर एजाज अशय साहब जो बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंडेड फिजियोथेरेपिस्ट है और सोशल एक्टिविस्ट है, और एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से धीरा डी, आईपीएस एएसपी बारामुल्ला बिलाल अशर, बीएड बीडीएस, एसडीपीओ उड़ी शौकत अहमद साहब, हमारे यहाँ पे सिविल सोसाइटी के जिन्हें काफ़ी काम किए हैं जिनके साथ मैं वाबस्ता हूँ, उनकी सरबराही मिस्टर करामत कयूम साहब जो पैटर्न है ह्यूमन एड सोसाइटी के, बशीर अहमद मीर साहब चेयरमैन ह्यूमन एड सोसाइटी के, मीर नसीर अहमद रातर जो सेक्रेटरी है ह्यूमन एड सोसाइटी के, राजा जे, ये जो टीम्स थी क्रिकेट की इन्होंने इसमें शमूलियत की। ये टीम बनाना भी एक स्पिरिट होता है। मुझे याद है कि हमारे स्कूली टाइम से जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इस तरह से कोई पहल नहीं होती थी। आज शुक्र है कि आपको ये आर्मी का शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा। ये लोग, इनका जो काम है देश को हिफाजत करने का, उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज करते हैं, एक ही मकसद है इस एक्टिविटीज का कि हमारे बच्चे जो इस कौम के मेमार हैं, जो हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का, वो बच्चे चाहे कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, वह बच्चे सब हमारे हैं। और ये बच्चे जो हैं
इनको अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छी खेल कूद में हिस्सा लेने का इनका रुझान बढ़ाना, एकेडमिक्स में काफ़ी ऊंचे टैलेंट जो है उसको इस्तेमाल करके वो अच्छे मेरिट हासिल करें। मेरा नाम हारून अफगान है, मैं यूएससीसी चंदनवाड़ी का कैप्टन। ये 15 जुलाई ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छा टूर्नामेंट, लगभग 64 टीमों का टूर्नामेंट था। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, छोटी बात नहीं होती 64 टीम्स को बीट करके फाइनल में आना, और एंड ऑफ द डे सब लड़कों ने अच्छा खेला, तो हमें लिखी थी किस्मत में हार तो इसलिए हार गए। कॉन्ग्रेट्स बीसीसी पुनियार को जो उन्होंने मैच अच्छा स्पोर्ट्स किया, बहुत अच्छा डिसिप्लिन, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, और पावरफुल मैनेजमेंट थी खुशीद भैया वगैरह जिन्होंने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हाँ 15 जगह लाइन मगर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने बहुत अच्छा किया उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए कि अपने लड़कों को भेजें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें कि ड्रग्स से दूर रहें। आज ज़्यादातर लड़के घर बैठ बैठ के डिप्रेशन में आ गए, इसलिए उनको चाहिए स्पोर्ट्स में आना और अच्छे परफॉर्म करना। बाकी ये सब कोई मसला नहीं है, इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कैसा टूर्नामेंट देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब ये इंडियन आर्मी नेक्स्ट कुछ मंथ्स के बाद फुटबॉल या वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करवाएगी। था बहुत मज़ा आया खेलने में, और इंडियन आर्मी का थैंक यू करते हैं हम कि यहाँ पे टूर्नामेंट कराए और हमें मौका दिया खेलने का, और बाकी थैंक यू। और अच्छा क्रिकेट हुआ, दोनों टीमें अच्छी थी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी से यूएससीसी चंदनवाड़ी जो पीछे रहेगी, नहीं तो बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला। पता था मुझे अगर मैं सुपर ओवर हुआ था, जब मुझे पता था अगर मैं 6 बॉल खेल जाऊंगा तो 3 छक्के तो लग जाएंगे, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, 20 रन नॉर्मली बन जाते हैं यहाँ पे ओवर में, तो पता था अगर मैं पूरी 6 बॉल खेल गया तो 20 रन कर लूंगा मैं, और वापसी में पता था कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मैच से मिला है तो इंशाल्लाह वापस नहीं करने देंगे, तो बाकी क्रिकेट होता है, लग जाते तो लग जाते नहीं आप बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि जो आजकल के लड़के हैं जो ड्रग्स के पीछे, पबजी के पीछे, फ़ोन के पीछे लगे हैं, उनको चाहिए कि गेम्स स्पोर्ट्स पे ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और बाकी टूर्नामेंट करते रहेंगे, बहुत मज़ा आता है। हर साल यहाँ पे ऐसे ही एक टूर्नामेंट होता है, इस साल थोड़ा लंबा हुआ था, नहीं तो 16 टीमों का होता, इस साल तो 62 टीमों का हुआ, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, बहुत मज़ा आया।